हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रभाव शहर के व्यापार पर पड़ने लगा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायों की माने तो अब तक पाली में 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि सैकड़ों ट्रकें माल खाली होने के इंतजार में यातायात नगर में खड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट व्यवसायों ने माल को डिलीवरी देने के साथ साथ अब माल की डिलीवरी लेना भी बंद कर दिया है, जिससे ट्रांसपोर्ट गोदाम माल से अटे पड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर सोमवार से टेंट लगाकर यहां से गुजरने वाले वाहनों को भी रोकने की चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्टों के तीसरे दिन हड़ताल का तीसरा दिन है, लगभग बुकिंग और डिलीवरी दोनों बंद है। करोड़ों रुपए का माल गोदामों में पड़ा है और करोड़ों रुपए का माल गाड़ियों में भी अनलोडिंग के लिए पड़ा है। पाली में करीब रोज का 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है, न ट्रांसपोर्टरों को बुलाया गया है, न कुछ किया गया है। इसलिए अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल है और कल पाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हाईवे के ऊपर टेंट लगा के और जाने वाली गाड़ियों को रोका जाएगा। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।